हे मेरे भाई लोगों, यार आप लोग कैसे हो? आप लोग घर पे होगे, काफ़ी मज़े कर रहे हो मुझे पता है। तो गाइज़, जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा था कि गाइज़ मैंने कार चुराई थी और उसे बेच दी थी, उसके बदले मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। तो गाइज़ आज है दूसरा दिन, ठीक है। तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है जिमी, ठीक है। तो जिमी मतलब माइकल का बेटा है। तो माइकल ने बोला जिमी घर पर पड़ा रहता है, फ्रैंक नील तू जा इसके साथ कुछ काम वाम करा ले, मतलब फ्रैंक नील के साथ लग जा कुछ काम वाम कर ले। गाइज़ मैं हूँ फ्रैंक नील, ठीक है, ये है जिमी। अब माइकल को क्या पता भाई मैं कौन सा काम सिखाऊंगा जिमी को। तो आज जिमी के साथ चोरी करेंगे ना गाइस, फुल मस्ती में। आ जा भाई जिमी मेरे साथ और आज खूब मजे कराऊंगा तुझे, तू दिक्कत मत ले। तो गाइस चलो छत पे चलते हैं। अभी गाइस मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। आज मैं सोच रहा हूँ ऐसी गाड़ी इकट्ठी करनी है मुझे, और वो आज मेरे को सेल करनी है, ठीक है। आज कोई भी मेरे से गाड़ी नहीं लेने वाला, कोई सा भी डगन बॉस ये सब कोई गाड़ी नहीं ले पाएगा मुझसे, क्योंकि यार अभी उनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो भी चोरी की। तो आज मेरे को सेल करके आनी पड़ेगी वो गाड़ी। तो देखते हैं कैसे करना है। तो जिमी को लेकर चलेंगे हम बाइक पर, ठीक है, क्योंकि गाड़ी पर हम नहीं जाएंगे। आ भाई जिमी तुझे बुलेट पे सैर कराएंगे आज, बैठ यार तू भी, तेरे पापा ने भेजा है। तो गाइज मैंने इसे अंदर रूम में बिठा के सब बता दिया कि मैं ये काम करता हूँ, तुझे भी ये काम करना है। वैसे माइकल को भी पता है मैं काफ़ी खतरनाक बंदा हूँ, तो बट यार जिमी मेरे साथ है तो जिमी को कोई छेड़ भी नहीं सकता, ये जिमी को काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए माइकल ने जिमी को मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि यार माइकल को मेरे पे पूरा भरोसा है, ठीक है। माइकल और मैं अच्छे दोस्त रह चुके हैं, ठीक है गाइज। तो आज हम जा रहे हैं कोई बढ़िया सी जगह जहाँ से हम एक बड़ी लग्जरी गाड़ी, ओ भाई लड़की को देखो क्या उड़ाया मैंने, देख रहे हो अभी भी वहीं पड़ी हुई है वो। तो गाइज़ आज हम जाएंगे एक लग्जरी गाड़ी चुराएंगे, ठीक है, और उस लग्जरी गाड़ी को हम बेचेंगे, जाके सेल करेंगे, ठीक है, सस्ते दामों में, और देखते हैं फिर पैसा हमें मिलता है कितना, या फिर सेल करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब आपके पता लगेगा, ठीक है। तो आज एपिसोड 2 है गाइज़, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइज़। और आज हमें बस लग्जरी गाड़ी ढूंढनी है, सिर्फ लग्जरी, ठीक है। तो अभी वो लग्जरी गाड़ी जो है मेरे को आगे ही मिल पाएगी, यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं। तो चलो आगे चलते हैं गाइज़, है ना। और भाई सामने एक लग्जरी गाड़ी मेरे को दिख रही है रेड कलर में, बट इसका जो दाम होगा वो कितना होगा गाइज़ बताओ, कितना रखूँ इस गाड़ी का? तो इसे ही उठा मारते हैं, ठीक है। और हाँ गाइज़, ये जो आप सोच, पिछली वीडियो में मैंने बोला था ये बुलेट वो बंदा ले गया, वो बंदा ये बुलेट लेके नहीं गया था, इस बंदे ने पुलिस के पास ये बुलेट भेज दी थी, जो कि पुलिस से मैं लेके आ गया, ठीक है। पुलिस से अपनी थोड़ी बहुत जान पहचान है गाइज़, ठीक है, इसलिए हम सब कुछ कर लेते हैं, इसलिए मैं ये गाड़ी वाड़ी सब छीनता रहता हूँ, समझ रहे हो ना। अगर मेरे को पुलिस ने पकड़ा तो मैं छूट सकता हूँ आराम से, ठीक है। ये बात नहीं है कि मेरे पास पुलिस केस नहीं लगते, पुलिस केस ज़रूर लगते हैं गाइज़ मेरे ऊपर, बट वो दूसरी पुलिस होती है, फिर मैं फ़ोन से बात करवा देता हूँ छूट जाता हूँ, ये अच्छी बात है ना। तो इसलिए पुलिस वालों से आप भी जान पहचान बना के रखो। और अभी गाइज हमने ये गाड़ी देखो मिनटों में चुरा ली है, और अभी हमें करना क्या है, हमें सेल करनी है। ओहो यार ठुक गई। तो गाइज आज मेरा टारगेट है कि आज मैं 2 गाड़ी चुराऊं और 2 गाड़ी सेल करूं, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें सिर्फ एक ही मैं गाड़ी चुरा पाया था, क्योंकि यार वहाँ आपको पता है कितना बम ब्लास्ट ये सब हो गया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस एपिसोड के बाद आप वो देख लें, ठीक है। वो यार लग्जरी गाड़ी देखो ये जा रही, कौन सी है, लैम्बोर्गिनी का कोई पार्ट लग रहा है, पता नहीं कौन सी है। ओ भाई साहब गिर मत जाइयो, मेरे को तेरे को एकदम सही सलामत लेके जानी है। अगर गाइज ये ठुकी तो कम रेट हो जाएगा, आपको पता है। तो चलो गाइज मैं वहीं पे आपको मिलता हूँ सेलर के पास, ठीक है, जहाँ ये सेल होने जाएगी ना, आपको मैं डायरेक्ट वहीं पे मिलता हूँ। ओके हे गाइज, तो अभी गाइज मैं कहाँ पे हूँ, आप देख रहे हो पीछे समुद्र वगैरह है। तो गाइज मैंने काफ़ी कोशिश करी गाइज गाड़ी सेल करने की, किसी ने नहीं ली, बट गाइज फिर मैंने माइकल से हेल्प ली, मतलब जिम्मी के पापा से, ठीक है। तो उससे हेल्प ली, मैंने उसे बताया भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, जिमी को भी यही काम पे मैं लेके आ गया हूँ। तो उसने पहले डांटा, फिर मैंने उसे समझाया, तो उसने बोला ठीक है कर ले तू, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है। तो गाइज हुआ क्या, फिर उसने मेरे को इस बंदे से मिलवाया, ठीक है। ये है गाइज गैंग लीडर का एक बंदा, जिसने इस बंदे को बेहोश कर रखा है, पता नहीं क्यों, इसे इसके बदले में पैसे मिलेंगे, इसकी रक्षा कर रहा है ये। तो गाइज जो हुआ, आप सोच रहे हो मेरी गाड़ी जो मैंने चुराई थी वो रेड थी, ठीक है। तो जो रेड कलर थी गाइज, इस बंदे के साथ एक और बंदा था, वो उसे ले गया बेचने के लिए, ठीक है। और इसकी गाड़ी है ये वाली, ठीक है। इसने बोला ये मेरी खुद की अपनी गाड़ी है, ठीक है, पेपर वगैरह सब है इस गाड़ी के अंदर। इसने बोला कि तू वो ले जा, और इसने गाइज मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं, ये जो मेरे पीछे बैग दिख रहा है इसमें काफ़ी सारे पैसे हैं, ठीक है। तो इसने बोला इन पैसों के ले, और एक जगह ठिकाने पर लगा के आया इन पैसों को और गाड़ी को, तो मैं तेरे को इसके बदले 10 लाख रुपए देने वाला हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे से भी हाथ मिला लेते हैं। और इससे पता है गाइज ये गद्दारी तो करेगा नहीं, क्योंकि इसे पता है मैं भी खतरनाक आदमी हूँ और जिमी मेरे साथ ही है, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं इसके जो पैसे इन्हें ठिकाने लगा के आते हैं, और उसके बाद ये मेरे को पैसे देगा, ठीक है। और उन पैसों से तुम्हारा भाई अपनी गाड़ी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, एक मैं लग्जरी गाड़ी लूँगा खुद की गाइज, ठीक है। तो ये भाई साहब ये जो लोकेशन है गाइज काफ़ी ख़तरनाक है यार, आप खुद ही देखो ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोकेशन पर मैं आ रखा हूँ। अब वो बंदा उस बंदी की रक्षा कर रहा है, ठीक है। ये वैसे काफ़ी
खतरनाक गैंग है गाइस जिससे मैंने हाथ मिलाया। वैसे इस गैंग को माइकल जानता है, तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक मैं मानूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने साथ माइकल है ये। और जिमी कह रहा है भाई मेरे को डर लग रहा है, मेरे को वापसी छोड़ दो, मेरे को नहीं करना ये काम। तो यार फिर मैंने इसे समझाया अच्छे से कि भाई तू कर ये सब, अभी तू खाली बैठा है, खाली बैठ के तुझे कुछ नहीं मिलेगा, शरीफ है तू, तुझसे बंदे चैट लेते रहते हैं और तू ऐसे पिटता रहता है बंदों से। तो मैंने इसे सिखाया, इसने बोला चलो ठीक है, मुझे भी गुंडा बनना है, मुझे शक्तिशाली बनना है, मैं अपने दोस्तों के आगे भिच के रहता हूँ, मतलब मैं गुंडा नहीं लगता, शरीफ लगता हूँ। तो इसलिए मैं इसे काम पे भी ले आया और ये भी समझ गया कैसी बात है, ठीक है। तो भाई साहब सड़क देखो पूरी खुली है यहाँ की। ओ भाई साहब ठोक मत दियो भाई साहब, ये देखो भाई ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ चलती रही हैं फुल यहाँ पे हैं, ऑफ रोडिंग चल रही हैं। ओए ओए ओए, तो भाई अभी अपन निकल चुके हैं एक अच्छी सी लोकेशन के लिए। उस बंदे ने मेरे को लोकेशन बताई नहीं है पता है, अभी तक मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। उसने बोला व्हाट्सएप करूँगा, अब पता नहीं कब व्हाट्सएप वो बंदा करेगा, मैं कब लूँगा और कब पहुँचूँगा। तो इतने गाइस हमें आगे चले जाते हैं, ठीक है। उसने एक मेरे को टारगेट दे दिया कि तू वहाँ पे पहुँच, उसके बाद मैं लोकेशन व्हाट्सएप करूँगा। गाइस इनके चोचले यही तो होते हैं इन बंदों के, कि भाई पहले से पहले नहीं बताते। ओ लो भाई एक बंदे का एक्सीडेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, उड़ा दिया है पूरा उस बंदे को। कोई गल नहीं यार, अब हम भी बहुत ख़तरनाक आदमी बन चुके हैं, अभी तो पहले बंदे से ही हाथ मिलाया गाइस मैंने। और भाई देखो मैं जहाँ पे भी सेल करने गया था ना उस गाड़ी को, कोई खरीद ही नहीं रहा भाई, कह रहा भाई चोरी की, हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, तुमने अभी चोरी करी, अभी ले रहे हो कि दे रहे हो, ऐसे ऐसे कह रहे। मैंने बोला ठीक है भाई मत लो तुम। फिर मैंने माइकल से बात करी, तो माइकल ने समझाया भाई एक बंदा है, तब उससे मैंने हाथ मिला लिया। अब भाई उस लोकेशन पे तो मैं आ गया हूँ जहाँ पे उस बंदे ने बोला था। वैसे गाइस ओ यार इसकी गाड़ी देखो यार, मैंने क्या कर दिया, खून, अच्छा एक बंदा ठुका था, उसका खून वून ब्लड लगा हुआ है। और गाइस हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये जो जगह है ना यहाँ पे भी काफ़ी ख़तरनाक लोग रहते हैं, और इधर पुलिस का आना जाना लगा रहता है। तो भाई उस बंदे की गाड़ी तो मैंने बुरा हाल कर दिया, वो पता नहीं क्या कहेगा। तो वेट करते हैं गाइस यहीं पर ही, वो कब बंदा आएगा। जिमी तू भी उतर जा भाई। जिमी को गाइस उल्टी आ रही थी बट इसने रोक ली, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं यहीं पे वेट करता हूँ कब उसका मैसेज आएगा, ठीक है। जब उसका मैसेज आएगा तो गाइज़ मैं आपको जब भी मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ उसने मेरे को लोकेशन भेज दी और ये रहा जिमी, और अभी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो उसने बोला है आगे तुझे जाना है, वहाँ पे ये बैग रख देना है, ठीक है। भाई बहुत पैसों का सवाल है इसमें, पता नहीं कितने सारे रुपये होंगे, बट ये सारे चोरी के हैं आप ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो भाई छोटे छोटे पता नहीं क्या थे। तो गाइज़ बड़ी संभल के चलना होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक लोग रहते हैं। भाई जिमी कूद पाएगा? जिमी कहाँ रह गया? वो रहा भाई यार इतने पीछे रह गया ये तो। भाई मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, अगर इसे कुछ हो जाता ना तो माइकल मुझसे ही बोलता। यार जिमी यहाँ से कूद पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो कूद ही जाता हूँ ना। जिमी भाई आ जाइए यार, वरना वहीं वेट करियो, देखते हैं आता है नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता कि जिमी आ पाएगा क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा शरीफ है, देखा नहीं आ पाया, मुझे पता था वो बंदा आ ही नहीं पाएगा। और चलो यार इतना क्या ख्याल रखूँ, अगर इतना मैंने जिमी का ख्याल रखा तो ये जो मेरा मिशन है ये रह जाएगा। तो पैसे उसने बोला यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बैग रख देता हूँ और निकलता हूँ। भाई यहाँ कोई है भी या नहीं है भाई, क्या सुनसान वगैरह? तो यहाँ पे गाइस पैसे रखते हैं और फिर इधर से जल्दी निकलते हैं, ठीक है हम। हे गाइस तो अभी पैसे रख दिए मैंने और मेरे पास जिमी भी आ चुका है, वो दूसरे रास्ते से आया। जिमी वैसे गाइस देखो गुंडे में नहीं है बट ये शरीफ है। तो ये देखो आगे से इसने गेट ढूंढा फिर वहाँ से आया। अब गाइज मैं इधर से कूदूंगा तो फिर ये उधर से, चलो छोड़ो ना यार इतना कौन ख्याल रखता है, उधर से ही आ जा भाई जिमी जहाँ से तू आया, ठीक है। तो अब जिमी का वेट करता हूँ मैं थोड़ी देर, यहाँ पे अपना काम हो चुका है, अब उसके पास मैं जाऊँगा पैसे लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि गाइज अब मैं सोच रहा था दो गाड़ी सेल करनी है, अब जिमी का वेट करते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। मैं गाइज सोच रहा था कि मुझे दो गाड़ी सेल करनी है आज, बट एक गाड़ी में ही दो गाड़ी के पैसे मेरे को मिल गए, ये काफ़ी अच्छी बात हुई। और मुझे देख रहा हूँ मैं अभी फुल गुंडा वुंडा बन गया, पीछे वाले बंदे भी कहाँ रह गया यार जिमी, यार जिमी कहाँ रह गया, माइकल बोलेगा। यहाँ तो गाइज है ही नहीं, देखो पीछे नहीं है वो, आगे से कहाँ से आ रहा होगा। यहीं वेट कर लेते हैं ना गाइज, वरना फिर वो खो जाएगा, वो कहीं और ढूंढने लग जाएगा। ओहो वो देखो वो रहा जिमी, देखो पीछे मुझे दिखा वो रहा देखो वो रहा। अरे हे जिमी यार तू भी यहीं घूम रहे हैं, आ मेरे साथ, तुझे बाहर का रास्ता दिखा दो, इधर से तो निकल जाएंगे क्या गाइज, निकल जाएंगे। अरे यार निकल भाई साहब, जिमी कहाँ गया? मैं तो गाइज निकल गया पर जिमी कहाँ गया यार? ये बंदा भी ना मेरे को लेट करा रहा है गाइज। लो जिमी ये देखो भाई कहाँ छत पे घूम रहा है भाई, यार ये भाई पागल है क्या जिमी, मतलब कहाँ छत से आ रहा है यार तू भी जिमी। अब गाइज हमारी जो गाड़ी है वो काफ़ी दूर है, बट वो हमारी गाड़ी नहीं है, ठीक है।
अब वो जो गाड़ी है शायद उसका बंदा ही ले गया होगा, वो मुझसे व्हाट्सएप पे लिख के कह रहा था कि अब वो गाड़ी तू मत लियो। अब फिर हम जाएँ किससे यार, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। घर और पैसे कब मिलेंगे ये कुछ नहीं पता, ये सब माइकल बताएगा। अभी गाइज मुझे पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो चलो भाई हम तो वेट करेंगे पैसों का। अभी मैं गाइज सोच रहा हूँ यहाँ से किसी की गाड़ी छीनूँ, ठीक है। तो भाई किसकी गाड़ी छीने, जिम्मी का ध्यान रखो पहले, कहाँ है ये रहा। ओहो आज गाइज ऑफ रोडिंग गाड़ी लेंगे, ठीक है, और SUV है ये। चलो भाई आंटी जी उतरो, बहुत बैठ ली तुम गाड़ियों में, बहुत बहुत बैठ ली यार। चलो जिम्मी बैठ चुका है मेरे साथ, अब हम निकलते हैं। चलो भाई, ओ भाई ट्रेन जा रही है आगे। अभी गाइज मैं क्या करूँ, माइकल से पूछता हूँ, ठीक है, करना क्या है करना क्या नहीं है, ठीक है। माइकल से पूछता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, यहीं पे गाड़ी लगा लेते हैं साइड में। हे गाइज तो अभी मैं घर पे हूँ, ठीक है, मैं घर पे आ चुका हूँ। और जिमी जो है ऊपर वाले फ्लोर पे, ठीक है, वो वहाँ पे खाना खा रहा है। और देखो मैंने फुल ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया क्योंकि यार मैं थक गया था, मैं नहाया खाया और सो गया। और फिर अभी मैं उठाऊँ और मैं ऊपर गया तो देखा जिमी कुछ खाना खा रहा था, तो ऐसे खान देते हैं। और अभी शाम होते ही गाइज माइकल आएगा अपने पास पैसे लेके, फिर गाइज अपने पास हो जाएंगे 15 लाख रुपए, ठीक है। और फिर हमें चाहिए 40 लाख रुपए क्योंकि मुझे एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है। और फिर वो आपको बताऊंगा मैं कौन सी गाड़ी है, किस गाड़ी के लिए इतने पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे वाले एपिसोड में आपको पता लगेगा। तो अभी गाइज वेट करते हैं माइकल का आने का, ठीक है। इतने में गाइज आपको अपना घर टूर करा देता हूँ। ये देखो गाइज मैंने क्या क्या नया करवाया। एक तो गाइज यहाँ पर ये टेबल नहीं थे, ठीक है, मैंने यहाँ पर सारी टेबल कुर्सी वगैरह लगवाई हैं और घास भी लगवाई है, घास नहीं थे। और यहाँ पे भी मैंने ये सोने के लगवाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो चेयर लगवाई हैं, ठीक है। तो यही सब है, और बाहर दिखाता हूँ। और हाँ गाइज वो जो मैंने SUV चोरी करी थी ना, वो यार मैं क्या बताऊँ मैं उसके बारे में, मतलब बीच में पुलिस मिल गई थी और तो उसने छीन ली वो बाइक, क्योंकि गाइज उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया था पुलिस वालों ने, तो उन्होंने छीन ली और फिर मुझे जेल ले जाने लग गए। तो फिर मैंने अपने जो मेरा पुलिस वाला जिससे जान पहचान है उससे मैंने बात करी, तो उसने छुड़वा दिया यार, यही तो बातचीत है अपनी। तो चलो भाई आपको मिलते हैं मैं शाम को जब माइकल आता है, ठीक है, घर पे, तो शाम को ही आपको मिलते हैं। इतने गाइज मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं, हे गाइज तो माइकल आ चुका है, देखो ये रहा माइकल। तो भाई अंदर आ जा, तो गाइज अब इसे अंदर बुलाते हैं। और ये पैसे लेके आ चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रहा माइकल। और गाइज जिमी चले गए घर पे अपने, ठीक है। माइकल ने पता नहीं उसे क्यों डांटा, कहा कि जा कॉलेज की पढ़ाई कर, पता नहीं क्यों। अब भाई उसे लगने लग गया, किसी ने भड़का दिया होगा माइकल को कि भाई ऐसे काम मत करवा। तो कोई बात नहीं, जाने दो, कल आ जाएगा जिम्मी, मुझे पता है ना। तो पैसे ले आया, तो अब गिनते हैं और फिर सही है, ठीक है। माइकल आ चुका है और माइकल आज रात को मेरे पास ही रहेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। आजा माइकल यार, छत पे गिनेंगे, अंदर यहाँ नहीं। तो इसे ऊपर लेके चलते हैं, TV भी देखते हैं। और गाइस आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें गाइज हमें कुछ और टास्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं गाड़ी चोरी नहीं करने वाला क्योंकि जो गाड़ी चोरी करते हैं उसमें काफ़ी कम पैसे मिलते हैं और कोई गाड़ी ले भी नहीं रहा है मुझसे। तो जो अब अगला टास्क आएगा वो हम उसमें गुंडागर्दी करेंगे उसी गैंग लीडर के साथ मिलके, ठीक है। उसने गाइज मेरे को बताया था कि डग्गन बॉस से हम पैसे छीनने वाले हैं, ठीक है। डग्गन बॉस की कहानी आपको नेक्स्ट एपिसोड में पूरी पता चल जाएगी, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।